हम लोगों ने बहुत सारे काम साथ साथ भी किए, हम दूसरे क्षेत्र में चले गए और आप दूसरे क्षेत्र में काम करने लगे, लेकिन काम चलता रहा। और आज के समाज के देखते हुए इस तरीके के लोग जो भारतीयता को लाने के लिए आगे काम करें, जो राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए काम करें, जो समाज में हम सबके बीच इस तरीके का आयोजन करके, जैसा कि आयोजन गंगानगर निवासी कर रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सारे आयोजन सुरेंद्र शर्मा जी करते रहते हैं। हम लोग सहयोगी प्रेम फिल्म वाले हमारे रविंदर जी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो भी इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं और साथ साथ हम लोग काम करते रहते हैं। मैं गंगानगर कॉलोनी एवं विजडम अबोर्ड सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा के भव्य मंच पर आयोजित आध्यात्मिक कवि सम्मेलन के इस अवसर पर सम्मान पत्र पढ़ रहा हूँ। धर्म ध्वजावाहक ऋजुता के नायक सहज एवं सरल मृदुभाषी असीमित अदम्य गुणराशि जन जन के प्रिय सौम्य सत चरित्र के उन्नायक विजता की पारसमणि विद्वजता के श्रोमणि उन्नत के उद्घोष जीवन के जय घोष मानवता के मूल मंत्र सहजता के संयंत्र घोर के प्रदीप मर्यादाओं के मही श्री सुरेंद्र शर्मा जी शर्मा को आज कृष्ण पक्ष पूर्णिमा नक्षत्र विशाखा विक्रम संवत 2081 गुरुवार तदनुसार 23 मई 2024 को मानव श्री सम्मान से सम्मानित कर हम सभी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आयोजक समस्त गंगानगर कॉलोनी एवं विजडम अबोर्ड सोसाइटी डॉक्टर आशुतोष प्रिय प्रेरणा स्रोत परामर्शदाता डॉक्टर मुकेश जी सूत्रधार एवं संचालक। मैं अनुरोध करूंगा आपसे आज्ञा लिए बिना कि गंगानगर निवासी में जो व्यक्ति अरे आदरणीय वीडियो साहब वीडियो साहब आइए, मैं चाहता हूँ आप सबके हमारे प्रतिनिधि के रूप में आपके माध्यम से एक फोटो आगे बैठो आगे तो मुझे नहीं याद आ रही वो चीन की दीवार आ गई ना बीच में। देखिए तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनको कोई दम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। हाँ, आपके लिए गंगानगर की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह की और व्यवस्था की गई है। मैं पुनः अध्यक्ष जी का निवेदन करूंगा कि आप उनको ये इसी क्रम में मैं अग्रिम पंक्ति में मनोज जी, मनोज मिश्रा जी, दिनेश मिश्रा जी और तिवारी जी तीनों लोग आ जाइए और हमारे आज के कार्यक्रम के जो सुरेंद्र जी हैं इनको ये पटुक पत्र गले में पहना करके सम्मान कर आइए। मनोज जी अरे आइए, माता जी बार बार असमर्थ है थोड़ा चलने में, वो वहीं से आशीष दे रहे हैं। अरे तिवारी जी आप आओ, आइए मिश्रा जी आप आ जाइए। हाँ किशन चाचा जी भी आ जाए, हमने कहा था पहले आप या चाचा जी आ गया। आदरणीय चाचा जी आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा। हमारे भी है भाई साहब, केवल मनोज के नहीं है, उतने भी अध्यक्ष जी का जलवा तिवारी जी के नहीं है, हमारे चाचा जी। देखिए तालियों में कंजूसी है, मैंने पहले ही कहा था ये अच्छी बात ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शर्मा जी से दो शब्द कहें इस अवसर पर और उसके बाद ये कर सकते हैं विधिवत मंच पर
उपस्थित आदरणीय कविगण और गंगानगर निवासी हमारे भाइयों और उपस्थित बहनों, ये बड़े गर्व की बात है कि आप लोग के सहयोग से यहाँ पर ये भागवत कथा का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे सनातन धर्म में अब हमारी सरकारों में से कह लीजिए या हमारे युवा वर्ग जो जागरूक हुए हैं उनकी वजह से कह लीजिए कि धार्मिक कार्य हम लोग के बीच में ज़्यादा ही होने लगे हैं, और ये सब लोग हम लोग तभी कर पाते हैं जब ऊपर वाले की प्रेरणा हम लोग को मिलती है, ऊपर वाले का सहयोग हम लोग को मिलता है। हम लोग की कोई मजाल नहीं कि हम कोई काम कर जाए। हम किसी भी काम को, किसी भी धार्मिक काम को करते हैं या जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बिना ऊपर वाले की प्रेरणा से यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। सब पर भगवान की कृपा बनी रहती है, तभी किसी धार्मिक कार्यक्रम को आकर के यहाँ पर आयोजन में उपस्थित हो पाते हैं। मेरी सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है, सबको स्वस्थ रखें और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों का, सभी श्रोताओं का हमेशा ऊपर वाला कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। जय। एक पुस्तक आदरणीय आपको भेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आइए अगले कवि को बुलाए। आदरणीय चाचा जी, आपको समर्पित करते हैं। सुरेश शर्मा जी की शैली है। दिनेश मिश्रा जी, आपको भी समर्पित है। चाचा जी कोई नहीं, आपको भी समर्पित है। ये हमारे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि उदासियां न लाते तो और क्या करते, उदासियां न लाते तो और क्या करते, जिसने सोना न मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। एक ऐसा लाड़